हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों की फली की सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 1 केजी सरसों की फली ले लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे मैं छोटे छोटे कर देती हूँ, करके एक प्लेट में रख लेती हूँ। ऐसे मैं सारा तोड़ के रख लेती हूँ। देखिए चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। ये मैंने कढ़ाई रख दिया था पहले से, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। अब 1 चम्मच में जीरा डाल देती हूँ। कटा हुआ लहसुन भी डाल देती हूँ साथ में और 2 मिर्ची डाल देती हूँ ग्रीन। ये देखिए अब मिक्स कर देती हूँ, साथ में सारा मिक्स हो जाएगा। ये मैंने 2 आलू काट के रख लिया था, आलू भी डाल देती हूँ। आलू को भी मिक्स कर देती हूँ। अब 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। साथ में सरसों की फली जो तोड़ के रखा था इसे भी डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सरसों की फली खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार बनाना जरूर। ये देखिए अब मिक्स कर देती हूँ सारा। धीमी आंच में इसे पकाना है। ये देखिए इसे बीच बीच में इसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ फिर से। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी को भी मिक्स कर देती हूँ। एक चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक को भी मिक्स कर देती हूँ। अब 5 मिनट के लिए फिर से ढक देती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर मिक्स करके देखती हूँ। ये देखिए हमारी आलू पक गई है। निकाल के एक प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हो गई हमारी फ्रेंड।
आप चाहें तो रोटी से खा लें, चाहे चावल से या किसी चीज़ से खा लें।